नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशानि वंशा कल्प रूपश्च कृपा सिंधु वेव शापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आज निजग्रह रामचंद्र प्रभु जी, निजग्रह माधव मोहिनी माता जी और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि मुझे ये सेवा दिया गया। कल दीपक बेहरा प्रभु जी बोल रहे थे कि आप इंस्पायर कीजिए, तो मुझे लगा कि शायद मुझे तो ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था। और रही बात योग्यता की, तो योग्यता मेरी जो है एक जो आपने कथा सुनी होगी, गधा जिसके ऊपर विग्रह रखे जाते हैं तो सब लोग सम्मान करते हैं विग्रहों को, तो गधे को लगता है कि मेरा सम्मान हो रहा है। तो वैसे ही हमें भी भक्तों की कृपा की वजह से जो सम्मान मिल रहा है, तो हमें लगता है कि ये मेरा सम्मान हो रहा है। लेकिन मैं योग्यता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को स्मरण रहे, मुझे भी स्मरण रहे कि मैं भक्त नहीं हूँ। और वैसे भी परम पूज्य हल्दर स्वामी महाराज कहते हैं कि आपको तो दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, आप या तो गधा बनिए या कुत्ता बनिए। सर्वस्व तुम्हार शरणे संपिया पड़ी छे तुम्हार घरे तुमितो ठाकुर तुम्हार ठुकुर बालिया जाना मोरे। तो पिछली बार जानवा माता का चरित्र थोड़ा रह गया था, तो मैंने सोचा कि उनके बारे में बताने का कुछ प्रयास करता हूँ, क्योंकि हम बहुत अच्छी शिक्षाएं उनसे ले सकते हैं। और जब हम भजन सुनते हैं जय राधे जय कृष्णा, तो उसमें सभी लीला स्थलियों और भगवान की लीलाओं और भगवान के भक्तों का गुणगान सुनने के पश्चात आखिरी में बोला जाता है, श्री जानव पाद पद्म त्वरिय स्मरण दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन। तो वहां जानवा माता के बारे में लास्ट में बोला गया है कि उनको प्रणाम किया जा रहा है सबसे आखिरी में। और जब 2015 में, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जब महाराज की यात्रा थी, परम पूज्य राधानाथ महाराज की यात्रा, तो उसमें हिजगृह मोहन राम प्रभु जी ने राधा कुंड की महिमा बता रहे थे कि हमें राधा कुंड जो उपदेशामृत में भी बताया गया है सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की लीला स्थलियों सबसे उत्तम स्थान है और वहां पे भगवान की लीलाएं नित्य चलती रहती हैं, तो वहां पे हमें जाके कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए उस बारे में बता रहे थे। तो वहां उन्होंने ये भी बताया था कि जानवा माता का क्या भूमिका है। आज जो हम इस्कॉन में भक्ति कर पा रहे हैं, गौड़ी सिद्धांत जो स्थापित करने में, उसमें जानवा माता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और शायद ये परंपरा भी उस तरह से ना चल पाती जो आज है, क्योंकि उस समय सभी प्रमुख आचार्य और महाप्रभु के पार्षदगण पंच तत्व सभी इस धराधाम से जा चुके थे। तो जो भक्तों को आश्रय प्रदान करने का काम जानवा माता ने किया, तो मुझे लगा कि आश्रय जरूरी क्यों है, क्योंकि एक सैनिक जैसे रहता है लड़ाई में, तो सैनिक के पास हथियार रहता है, उसके पास हथियार भी है और बाकी साथी भी हैं, लेकिन जब सेनापति नहीं होता है तो सैनिक हार मान लेता है, तो हम भक्ति में कैसे जीत पाएंगे। और बिना आश्रय के सब हिप्पी हैं, जब भगवान के सेनापति भक्त आते हैं तब वो हिप्पी से हैप्पी होते हैं। वैसे ही आश्रय जानवा माता ने गौड़ देश में दिया भक्तों को, क्योंकि वृंदावन में तो उस समय जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, लेकिन गौड़ देश में कोई नहीं था भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए। और ऐसे ही हिचकेश निताई सिंह माता जी बताते हैं कि कैसे उन्हें पहले अपना जो नाम था वो पसंद नहीं था, उन्हें लगता था एक मतलब मैस्कुलिन टाइप का नाम है,
तो बाद में उन्हें 2001 में एक प्रभु जी ने राधा कुंड उन्हें बताया कि ये मैस्कुलिन नाम नहीं है, इसका अर्थ है कि आप जानवा माता की सेविका हैं, पिता ही सेवनी। तो एक बार नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बोला कि आप गृहस्थ धर्म अपनाइए। तो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ने फिर वो काफी बड़ी लीला है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जैसी आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी लीला को कोई नहीं जानता। आपने पहले सीता माता का त्याग किया, जब राम अवतार थे, राम अवतार में, और जब कृष्ण रूप में थे तो आपने गोपियों का त्याग कर दिया, और जब आप इस बार पहले आप गृहस्थ थे, फिर आपने संन्यास ग्रहण किया और अपनी पत्नी विष्णुप्रिया का भी त्याग कर दिया, और अब आप चाहते हैं कि मैं अवधूत होके गृहस्थ धर्म अपनाऊं। तो इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ धर्म अपना लिया, और महाप्रभु ने उनको दो वचन भी दिए थे कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा और तुम्हारी एक संगनी हमारे जो प्रचार कार्य है उसको आगे बढ़ाएगी, जो बाद में सत्य भी हुए। उसमें से वसुधा माता के जो पुत्र थे, पुत्र वीरभद्र और उनकी पुत्री गंगा देवी, तो उसमें जो वीरभद्र थे वो भगवान के स्वयं अवतार थे। तो जब और गौरगणों दीपिका में बताया गया है कि जो वसुधा और जो जानव माता है, नित्यानंद प्रभु संगनी है, वो कृष्ण लीला में वारुणी और रेवती के विस्तार हैं। और जब सभी जो पंचतत्व और बाकी आचार्य जब जा चुके थे, तो जो जानव माता ने विरह भाव के बाद भी ये प्रचार कार्य संभाला और अपने पुत्र को भी दीक्षा दी। उनके पुत्र को एक शंका हो गई थी कि माता से दीक्षा कैसे ले सकता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने जब उनका चार हाथों वाला रूप देखा, उसके बाद उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की और दीक्षा ग्रहण की। ऐसे उन्होंने हजारों भक्तों को दीक्षा की, और हम जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जब खेचरी में अपना खेचरी ग्राम में जो बहुत बड़ा गौर पूर्णिमा उत्सव किया था, तो उसमें जानवा माता आई थी, उन्होंने विशेष रूप से उनको बुलाया गया था, और उसमें जानवा माता की कृपा से स्वयं मतलब नरोत्तम दास ठाकुर पे जब कृपा की, तो स्वयं वहां पंचतत्व प्रकट हुए थे, और सबने भगवान और उनके पार्षदों का संग लिया था। और लेकिन जब वो उत्सव खत्म होने के बाद जब पंच तत्व चले गए, तो सबका भाव विरह में चला गया। तो उस विरह भाव को, वेदना को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम कल होली का उत्सव मनाएंगे, और फिर उन्होंने सभी के लिए प्रसाद बनाया, विग्रह के लिए प्रसाद बनाया, और बाद में सभी भक्तों के लिए प्रसाद बनाया। तो उन्होंने ये सेवा बहुत पसंद थी, प्रसाद भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, और उन्होंने सभी भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद खिलाया, भक्तों के दासों को भी अपने हाथों से प्रसाद खिलाया, उसके बाद सबसे आखिरी में जाके प्रसाद लिया। और ऐसे ही एक लीला, जब वो वृंदावन जा रही थी, तो एक जगह चंडी के भक्त थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधारण स्त्री को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, इतना सम्मान तो हमें हमारी माता चंडी माता को मिलना चाहिए। तो ईर्ष्यालु थे वो बहुत, और उन्होंने माता चंडी माता से प्रार्थना की कि इस स्त्री की हत्या हो जाए। मतलब तो रात में चंडी माता स्वयं बहुत क्रोध के रूप में और खड़क लेके उनके सपनों में आई और बोला कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, और अगर तुमने क्षमा नहीं मांगी तो मैं इसी खड़क से तुम सबके सिर काट दूंगी, क्योंकि वो स्वयं भगवान की संगनी है और हमें भी शक्ति उन्हीं से प्रदान प्राप्त होती है। तो इस तरह बहुत क्रोधित अवस्था में देख के वो सभी भक्त जो चंडी के भक्त थे वो डर गए, और अगले दिन उन्होंने जानो माता की शरण ग्रहण की। ऐसे ही एक जगह डाकू थोड़ा आगे जब वृंदावन के लिए जा रहे थे, तो कुछ डाकू ने देखा कि उनका जो तेज देख के उन्हें लगा कि इनके जो भक्त हैं इनके आसपास और बहुत सारा इनके पास सोना होगा, तो उन्हें लगा कि जब ये लोग रात के समय हम इनको मार के सारा सोना लूट लेंगे,
तो जब रात हुई तो उन्हें वहां से उनकी जो जाना माता था उनके पास से थोड़ा तेज दिख रहा था, तो उन्हें लगा कि हम जस्ट थोड़ा सा दूर जाके उनको पकड़ लेंगे। तो वो वहां से दौड़ना शुरू करते हैं, और जब दौड़ना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि बस हम पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, और पूरी रात निकल जाती है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तब उन्हें समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जब वो शरण ग्रहण करते हैं तब वो बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भक्तों की शरण में उनकी कृपा से ही जाया जा सकता है, अपने प्रयास से नहीं। और ऐसे ही वृंदावन में जब वो पहुंची थी तो जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और बाकी गोस्वामी ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया था, और वहां भी उन्होंने सभी विग्रहों के लिए भोग सेवा प्रदान की। और रघुनाथ गोस्वामी उस समय बहुत काफी बूढ़े हो चुके थे, तो उनसे भी मिलने के लिए गई, और रघुनाथ गोस्वामी को जब पता चला तो वो भी इतने वृद्ध अवस्था में भी उनकी तरफ भागने के लिए तत्पर हो गए। और एक बार गोपीनाथ विग्रह के साथ जब उन्होंने राधा रानी का विग्रह देखा तो उन्हें लगा कि राधा रानी का विग्रह काफी छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए। तो फिर भगवान के सपने में आए और उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे आप बड़ा विग्रह बना के यहाँ भिजवाइए। तो जब वापस गई थी तो उन्होंने वहां से एक राधा रानी का बड़ा विग्रह बनवा के यहाँ भेजा था। और अंत में जो उन्होंने अपनी लीला समाप्त की वो उसी राधा रानी के जो छोटे विग्रह था उसी में लीला अपनी समाप्त की। और तब से कई भक्त लोग बोलते हैं कि वो जो बड़ा वाला विग्रह राधा रानी का, छोटा वाला जो जानो माता का है। तो और लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर एक अपने भजन में जो कल्याण कल्पतरु में लिखा है उन्होंने, भगवान अपने पड़े मोर आकुल प्राण, तो भजन काफी बड़ा है। तो उसमें आखिरी में की लाइन बोल के मैं अंत करना चाहूंगा, आपने अनेक पामरों या पतितों का उद्धार किया है, आज आपके शीर्ष चरणों में यह कंगाल भी यही प्रार्थना करता है, कत कत पामे रेर परेश उद्धार, तुम्हार चरणे आज कंगाल चार। मैं भी आप सभी भक्तों के चरणों में कामना करता हूँ कि आप भी मुझे आश्रय प्रदान करें और जो त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा प्रदान करें। हरे कृष्ण पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे।